कैट की दो किस्में आ रही हैं आजकल, एक जो है ना वो चाइना की आ रही है और एक आ रही है रीफिल जो काट के उसके अंदर फिल्टर लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ओलेक्स मोटर से आपका होस्ट चौधरी नुमान हबीब। गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है और हर गाड़ी जो पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। और इस गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि एक पार्ट होता है कैटेलिटिक इन्वर्टर के नाम से, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस से निकलने वाली एमिशन जो होती हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, उसको रोकते हैं। सो कैटेलिटिक इन्वर्टर जो स्पेसिफिक टर्म है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। मोस्टली गाड़ियाँ आपकी ख़राब होती हैं तो मैकेनिक आपको यही कहता है जी कैट चोक हो गया, कैट ख़राब हो गया, कैट की सर्विस करवा लें आपकी एवरेज वगैरह बेहतर हो जाएगी। इस तरह की बातें तो हम सुनते रहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कैट कैसे काम करता है, ये यूरो जो स्टैंडर्ड्स हैं अक्सर गाड़ी के पीछे यूरो 2 वगैरह लिखा होता है ये क्यों लिखा होता है, और अगर आप कैट लेने जा रहे हैं मार्केट में आपकी गाड़ी का कैटेलिटिक इन्वर्टर ख़राब हो गया तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हमने क्लब कर दी हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री पर बात करते हैं। कैटेलिटिक इन्वर्टर जब एग्जॉस्ट गैसेज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलती हैं तो एग्जॉस्ट पाइप सबसे पहले कैटेलिटिक इन्वर्टर के अंदर ड्रॉप होता है। कैटेलिटिक इन्वर्टर एक मैश सिस्टम पर बेस करता है जिसके अंदर जालियाँ लगी होती हैं, वो जालियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल की होती हैं जैसे प्लैटिनम वगैरह, उसकी वजह से जब वहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं जैसे CO है, CO2 है, NO2 है और डिफरेंट वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जब एग्जॉस्ट गैसेस में आते हैं तो कैटेलिटिक इन्वर्टर में उन जालियों के साथ चिपक जाते हैं। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और विद टाइम वो जालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, इसीलिए आपके मैकेनिक अक्सर कहते हैं जी जालियाँ तोड़वा दें या जालियाँ आपकी बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं, इसको एसिड या लेज़र से आप क्लीन आउट करवा लें। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो जालियाँ ब्लॉक आउट हो जाती हैं तो आपकी गाड़ी की आवाज़ भी चेंज हो जाती है और उसकी जो पिक वगैरह है वो भी उस तरह नहीं रहती। पिक उस तरह इसलिए नहीं रहती क्योंकि विद टाइम जो जालियाँ हैं और जो आपके कैट से आगे ही कैट के ऊपर एक ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है तो वो क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट से जो रीडिंग्स आ रही होती हैं, जितनी एग्जॉस्ट के अंदर जो रीडिंग्स होती हैं, बेसिकली जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो सारा ऑक्सीजन जलेगा नहीं, जब वो एग्जॉस्ट के अंदर जाएगा तो गाड़ी पिक करेगी ऑक्सीजन सेंसर से कि एग्जॉस्ट में कितना ऑक्सीजन अनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बाहर जा रहा है, उसी हिसाब से फिर उसके इनटेक के जो वॉल्व होते हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कैटेलिटिक इन्वर्टर खराब हो तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज खराब होती है क्योंकि गाड़ी को समझ नहीं आ रही थी कितना फ्यूल डालना है, कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए। सो अब एक एक्सपर्ट हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप जो बाइक करने जा रहे हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, जब आपने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवानी है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर आप नया भी ले रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कैटेलिटिक इन्वर्टर ठीक है या ये वाला खराब है। ओएलएक्स पे भी थाउजेंड्स ऑफ कैटेलिटिक इन्वर्टर लिस्टेड है, आप लिंक पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। मेरा नाम आसिम है, मैं तकरीबन 35-40 साल से काम कर रहा हूँ यहीं पर। कैटलेट्स ख़रीदने के लिए पहले जो है ना वो आप ये चेक कर लें कि कैटलेट को आप देखेंगे ना हिला के, ऐसे हिल तो नहीं रही, खड़क तो नहीं रही अंदर से, अगर खड़क नहीं रही ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो सेक्शन जहाँ से जाना है ना डिस्चार्ज होना है वहाँ से आप देखेंगे ना उसका जो अंदर फिल्टर लगा हुआ है वो वाइट होगा, अगर वो डस्टी होगा, मिट्टी ज़्यादा गई होगी या इस्तेमाल ज़्यादा हुआ होगा तो वो फिर ब्लैकिश हो जाएगा उसमें से। कि बाहर से पोजीशन आप देखेंगे तो बिल्कुल वाइट होगी, जो कैटलेक्ट सही होगी उसकी बिल्कुल ये चीज़ जो है ना बिल्कुल अपनी फिनिशिंग में होगी और अंदर से बिल्कुल ऐसे आप हाथ लगाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि डस्टी तो नहीं है ज़्यादा। अगर ज़्यादा डस्टी या ऑयली है तो समझ लें कि इसके अंदर कचरा जा चुका है, अगर बिल्कुल फ्रेश है, ऑयलिंग नहीं आ रही आपकी तो समझें ठीक है, कैट में आगे कचरा नहीं गया। और दूसरा जो है ना इसका सेंसर खोलेंगे, इसकी चूड़ियाँ से पता चल जाता है कि आपकी चूड़ियाँ खुली हुई हैं, कितनी दफ़ा लगी हुई हैं, इस्तेमाल तो नहीं हुई। कैट की दो किस्में आ रही हैं आजकल, एक जो है ना वो चाइना की आ रही है और एक आ रही है रीफिल जो काट के उसके अंदर फ़िल्टर लगा देते हैं और ये ऊपर से वो फिक्स कर देते हैं ताकि नज़र ना आए अंदर से, कटिंग करके ना उसके अंदर फ़िल्टर लगा के वो फ़िल्टर वाइट ही होता है, वो ऐसा लगता है जैसे नया ही है, ठीक है ना। वो फिर फ़िल्टर चेंज करके रीफिल करके पता नहीं लगता, अंदर से कटिंग हुई हुई होती है यहाँ से, वो उसको जोड़ लगा के उन्होंने साफ़ किया होता है और ये ऊपर प्लेटें लग जाती हैं जिससे पता नहीं लगता कि लग रहा है। अगर आपने उसको चेक करना है तो फिर ये प्लेट का एक बोल्ट खोलेंगे, उससे नीचे पता चल जाएगा आपको कि कट तो नहीं लगा हुआ, जोड़ तो नहीं डला हुआ, जोड़ डला है तो फिर उसके अंदर फ़िल्टर नया डाला हुआ उन्होंने। चाइना वाला में जो एक अच्छी वाली आई हुई ना चाइना में एक क्लास, वो ठीक है, वो चलती है, काम करती है, उसमें ये है ना कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ये मैं महंगी नहीं ले सकता तो फिर वो चाइना वाली इस्तेमाल कर लेता है। उसमें यह है कि उसका कोई टाइम निकल जाता है 2-4, 5 महीने, 6 महीने, जब तक उसने गाड़ी इस्तेमाल करनी है वो ठीक चलता रहता है। उसमें यही है ना कि वो साउंड परफेक्ट नहीं आएगा, जो साउंड है जो एक्चुअल जो जापानी ने बनाई हुई चीज़ वो नहीं आएगी उसमें, फिर वो साउंड नहीं आता, गुजारा तो कर जाता है लेकिन वो साउंड नहीं, एक्चुअल साउंड नहीं आएगा उसका। उसमें थोड़ी सी किसी गाड़ी में कटिंग करनी पड़ती है उसके पाइप को काट के थोड़ी सी डायरेक्शन, क्योंकि ये सेंसर की जो होती है ना फिटिंग, किसी की ऐसी है किसी की ऐसी है, वो फिर इसको काट के ना तो इसका मूव चेंज कर लेते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। अब इसका सेंसर यहाँ है यहाँ है, अगर इसका सेंसर थोड़ा सा इधर होगा तो फिर ये कट सेंसर से नीचे से कटिंग करके उसका मूव चेंज कर देंगे।
और उसको वेल्डिंग कर दें। जो सिविक है ना उसकी कीमत तकरीबन चल रही है कोई 50 से 60 हज़ार रुपया एक नंबर कैड, जो बिल्कुल ओरिजिनल 0 मीटर जैसी है, बिल्कुल नई जैसी है। आप उसको पैकिंग में भी रख देंगे तो ऐसा लगेगा कि नई है, ठीक है। उसके बाद आ गई एक्वा, आ गई प्रियस, आ गई और आपकी ये क्या नाम है उसका करोला आ गई, इनकी कैड भी मिल जाती हैं। इनकी कैड भी चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये है कि इसकी कीमत तो तकरीबन जो है ना 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तकरीबन मिनिमम है, मैक्सिमम इतना ही चल रहा है, इतने ही रेट में ये मिलती हैं, इससे कम मिलती नहीं है। इसलिए इससे कम लेनी है तो फिर वो चाइना वाली आ जाती है। 660 सीसी में गाड़ी पे डिपेंड करता है, टर्बो वाली गाड़ी है तो उसकी 32-30, 32-35 तक मिल जाती है। अगर आपकी सादी गाड़ी है तो वो 18 से 20 हज़ार 25 हज़ार के अंदर अंदर मिल जाती है वो। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।